औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज का हमारा टॉपिक है इवोल्यूशन ऑफ लीफ, कि पत्ता कैसे शक्ल में आया है। हमने पहले क्लास में पढ़ा है आप लोगों को साइलॉप्सिडा। साइलॉप्सिडा लूवर वास्कुलर प्लांट थी जिसमें पत्ती नहीं थी। इसके बाद आती है लाइकॉप्सिडा जिसमें पत्ते होते हैं। सो पहले प्रिमिटिव प्लांट्स में पत्ती नहीं हुआ करती थी। अब ये लीफ की इवोल्यूशन कैसी हुई है, लीफ शक्ल में कैसे आई है, चलिए पहले लीफ के बारे में आप लोगों को कुछ बताते हैं कि लीफ क्या चीज़ है। लीफ इट इज़ द वेजिटेटिव पार्ट ऑफ अ प्लांट। देखिए, पौधे के दो हिस्से होते हैं बड़े बड़े, तो वन वी कॉल द वेजिटेटिव पार्ट एंड द नेक्स्ट वी कॉल द रिप्रोडक्टिव पार्ट। पौधे का रिप्रोडक्टिव पार्ट है फ्लावर और सीड, जिससे होती है रिप्रोडक्शन। फ्लावर से और सीड से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ये हेल्प करा देती है। वेजिटेटिव पार्ट ऑफ प्लांट है लीफ, स्टेम एंड रूट्स। ठीक है, सो ये लीफ है रिप्रोडक्टिव, नहीं ये वेजिटेटिव पार्ट ऑफ द प्लांट है। इट इज फ्लैट इन शेप, शेप में कैसे फ्लैट है, हमवार है शेप में। पंखुड़ियों को देखते हैं, गैसीयस एक्सचेंज करा देती है, बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है यहाँ पे। दिन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का एक्सचेंज करा देते हैं। दिन के दौरान अटैक कार्बन डाइऑक्साइड एंड रिलीज ऑक्सीजन, सो इट हेल्प इन फोटोसिंथेसिस। नाइट के दौरान, नाइट टाइम में इट विल डू रिस्पायरेशन, फिर ऑक्सीजन की इनटेक, कार्बन डाइऑक्साइड की एग्जिट, रिवर्स प्रोसेस पर नाइट के दौरान। सो लीव कंटेन्स टोमेटा which helps in exchange of gases between the plant and environment, stomata ke zariye. Dusri, yahan pe leaf contain mesophyll cells that contain chloroplast which help in photosynthesis. Dusri baat, teesri baat, transpiration is the loss of water from the aerial part of the plant body during sunlight, we call transpiration. Transpiration एक ऐसा अमल है जिसमें पौधे से दिन के दौरान जब सनलाइट की किरणें पड़ रही है प्लांट पे, तो वाटर लॉस हो रहा है, एंड दिस वाटर लॉस वी कॉल ट्रांसपायरेशन। ये तीनों फंक्शन है लीफ की, तीनों की इंपॉर्टेंस है। हम अपनी जगह पे इस पर एक इंडिविजुअल क्लास इंशाल्लाह लेंगे। फोटोसिंथेसिस ऑलरेडी ग्राउंड है, आप लोग बायो एनर्जेटिक्स में देख सकते हैं। इंशाल्लाह ट्रांसपायरेशन को हम पाम जेट पर प्लांट में देखेंगे। ठीक है, और टाइप्स ऑफ लीफ पे आते हैं। देर आर टू टाइप्स ऑफ लीफ, माइक्रोपाइलस लीफ, मेगापाइलस लीफ। माइक्रोपाइलस लीफ, इट इज स्मॉल एंड सिंगल वेन, स्मॉल एंड सिंगल वेन लीफ है। ऐसे एक लीफ है, छोटी है, जस्ट इट कंटेन वन वेन, बस। दिस इज कॉल्ड माइक्रोपाइलस लीफ, पाया जाता है साइला लाइकॉप्सिडा में, स्पिनॉप्सिडा में। ठीक है, लाइकॉप्सिडा स्पिनॉप्सिडा में पाया जाता है। मेगापाइलस लीफ है लार्ज एंड मेनी वेन, ठीक क्या है, लार्ज है, मेनी वेन है, आप लोग यहां देख सकते हैं ऐसे। ठीक, सो इट इज लार्ज एंड मेनी वेन लीफ, सच टाइप ऑफ लीफ वी कॉल मेगापाइलस लीफ। अब अगर लीफ एक है, एक ही ट्वेक पे, इट इज कॉल्ड सिंपल लीफ, ये पर है सिंपल लीफ। एक ही ट्वेक पे बहुत सारी लीफ प्रेजेंट है, देन इट इज कॉल्ड कंपाउंड लीफ। ठीक है, सिंपल लीफ, कंपाउंड लीफ। पिट्यूल नहीं है ये वाला, ये पिट्यूल है, ये नहीं है, जस्ट लीफ प्रेजेंट है। देन सच टाइप ऑफ लीफ वी कॉल्ड सीसाइल लीफ। सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ लीव्स, माइक्रोपाइलस लीफ। अब इन दोनों की इवोल्यूशन कैसे हुई है, चलिए देखते हैं। सो देखते हैं इवोल्यूशन ऑफ माइक्रोपाइलस लीफ को, कि माइक्रोपाइलस लीफ कैसे इवॉल्व हुई है। माइक्रोपाइलस लीफ मींस सिंगल वेन लीफ, स्मॉल है, देयर इज नो पजल रिकॉर्ड, कोई पजल रिकॉर्ड नहीं है, कोई इवोल्यूशनरी हिस्ट्री भी नहीं है कि कैसे इवॉल्व हुई है।
जस्ट देयर आर टू हाइपोथेसिस एंड हाइपोथेसिस मे बी ट्रू मे बी फॉल्स. हाइपोथेसिस मीन अ सजेस्टेड आंसर टू अ प्रॉब्लम, अ पॉसिबल आंसर. एक पॉसिबिल, दो पॉसिबिलिटीज है, ट्रू भी हो सकती है फॉल्स भी हो सकती है. वन है आउटग्रोथ हाइपोथेसिस, ये ब्रांच है, पत्ती नहीं है, एक सिंपल ब्रांच है. इस पे एक आउटग्रोथ एराइज होती है यहां से ऐसे. विद द पैसेज ऑफ टाइम दिस आउटग्रोथ ग्रोज, ये बढ़ गई. नाउ इट रिक्वायर न्यूट्रिएंट्स फॉर सपोर्ट एंड ट्रांसपोर्ट. सपोर्ट के लिए भी इसको क्या चाहिए, न्यूट्रिएंट चाहिए. सो फॉर सपोर्ट यहां पे अब एक ब्रांच का होना जरूरी है, एक वेन का होना जरूरी है. ये ऑलरेडी जाइलम तो है, यहाँ पे वेन प्रेजेंट है यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन के लिए. अब इस आउटग्रोथ से ये फासला यहाँ से बहुत फासला भी है. इस फासले को यहाँ ये जो एरिया है इसको चाहिए न्यूट्रिएंट, और न्यूट्रिशन के लिए यहाँ पे एक वेन होना अभी जरूरी है. तो एक वेन की परमिशन यहाँ पे हो रही है और बन रही है एक मेगापाइलस माइक्रोपाइलस लीफ. सो वन ब्रांच एंड ब्रांच ऑफ प्रिमिटिव प्लांट आउटग्रोथ अराइजेस, आउटग्रोथ इंक्रीजेस इन साइज विद विथ टाइम. टाइम के साथ इसकी इंक्रीजमेंट हो जाती है. दे रिक्वायर सपोर्ट एंड ट्रांसपोर्ट, इसके लिए क्या बनी, वेन बनी, क्या सिंगल वेन बनी बस. दूसरा रिडक्शन हाइपोथेसिस है, इट मीन्स दैट ये बड़े बड़े ब्रांचेस थे यहाँ पे इस प्लांट पे, अब ये ब्रांचेस साइज में रिड्यूस हुई और वेट में इंक्रीज हुई. सो रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ सिंगल वेन लीफ. बड़े बड़े ब्रांचेस हैं, इस साइज में क्या हो रहे हैं, रिड्यूस हो रहे हैं साइज में. ब्रांचेस लेंथ रिड्यूस हो रही है यहाँ पे एंड वेट इंक्रीज हो रही है. सो एक सिंगल वेन इसकी इन बिटवीन बन रही है, किस लिए, ट्रांसपोर्टेशन के लिए. सो ये तो हो गई माइक्रोपाइलस. अब मेगापाइलस लीफ क्या होते हैं. मेगापाइलस लीफ में इवोल्यूशन दो स्टेप में होते हैं, द वन वी कॉल्ड प्लेनेशन एंड द नेक्स्ट वी कॉल्ड वेबिंग. पहले देखते हैं प्लेनेशन को. ये प्लांट है, इस पे ब्रांचेस हैं और ये ब्रांचेस हैं अनइक्वल ब्रांचेस, अनइक्वल. पहले ये ब्रांच आते हैं एक प्लेन में, आते हैं ऐसे एक प्लेन में ये ब्रांचेस आ जाते हैं. सो अनइक्वल ब्रांचेस अरेंज इन वन प्लेन एंड दिस इज कॉल्ड प्लेनेशन. अब वेबिंग है, द स्पेस आर फिल्ड विद फोटोसिंथेटिक सेल. ये जो स्पेस हमें दिखाई दे रहा है यहाँ पे, ये स्पेसेस है. दीज स्पेस आर फिल्ड बाय फोटोसिंथेटिक सेल्स. इस स्पेस को फोटोसिंथेटिक सेल ने क्या किया, फिल किया ऐसे और बन गया एक मेनिवेन लीप. आप लोग दे सकते हैं इसको, ऐसा एक मेनिवेन लीप बन रहा है. और ये जो ब्रांचेस है यहाँ पे, ये दीज ब्रांचेस आर कन्वर्टेड इन टू वेन्स एंड बिकम वेन. अब ऐसे पत्ते भी होते हैं जिस पे स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं. इस स्पोर्स को हम, इस पत्ते को फिर हम कहते हैं स्पोरोपाइलस लीप, स्पोरोपाइलस लीप. अब अगर इसमें दो टाइप स्पोर्स होंगे, एक तो होंगे माइक्रोस्पोर, दूसरे होंगे मेगास्पोर. सो मेगास्पोर विल प्रोड्यूस फीमेल गैमेट, माइक्रोस्पोर विल प्रोड्यूस मेल गैमेट. सो माइक्रोपाइलस लीप आर ऑल दोज लीप दैट कंटेन मेल गैमेट, जिससे मेल गैमेट बन रही हो, और मेगास्पोरोपाइलस से जाहिर बात है फीमेल गैमेट बनेगी. सो दिस इज ऑल अबाउट इवोल्यूशन ऑफ लीप. होप दैट यू अंडरस्टैंड बेटर. हमें अपने नाम याद रखिए. खुदा हाफिज़.